हेलो डिफ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो में एसएससी फेज 9 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग का जो एसएससी फेज 9 का जो एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, उसका जो रिजल्ट वह कब जारी किया जाएगा, कब जो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका जो रिजल्ट उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोग का एग्ज़ाम जो खत्म हो चुका है ना, आप लोग का जो आंसर की भी आ गया था एंड आप लोग अब जो वेट कर रहे हो कि सर आखिरकार जो रिजल्ट वह कब जारी किया जाएगा और आप लोग कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो है एग्ज़ाम बहुत पहले दिए थे लेकिन आप लोग का आंसर की भी जो डिले किया गया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो फाइनली आप लोग का आंसर की जो कुछ दिन पहले जारी किया गया, तो एक्सपेक्टेड डेट आप लोग का ये है कि आप लोग का जो रिजल्ट जो है वह जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में जारी किया जा सकता है, या फिर आपका जो 15 मई तक जो आपका जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया जाए, क्योंकि और आप लोग को लेट नहीं किया जाएगा। एसएससी जीडी का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो आप लोग का भी जो कुछ दिन के अंदर आने के लास्ट वीक ऑफ अप्रैल रखे या फिर जो है 15 मई तक, ये आपका दो डेट है, इसमें आपका जो रिजल्ट है वह कंफर्म जारी कर दिया जाएगा एंड आपका फिर उसका जो है एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपका जो रिजल्ट है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर इसके पहले आप लोग का रिजल्ट आता है तो और बढ़िया है एंड जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर एग्जाम्स का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, प्रिपरेशन करते रहिए। रिजल्ट तो आपका जो है अप्रैल या फिर 15 मई तक जो आप लोग का रिजल्ट वह जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप लोग का जो रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट नोटिस जो है एसएससी जारी कर दी, मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए।